हम पहुंच गए हैं बेंगलुरु कर्नाटका, जहां हम मिले एक कॉमन मैन से जिन्होंने अपने हार्डवर्क से कुछ ऐसा अनकॉमन हासिल किया जिसे अक्सर लोग किस्मत की देन समझते हैं, पर ये था उनकी मेहनत का नतीजा। मिलिए रमेश बाबू से, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की घरों घरों में न्यूज़पेपर बेचने से, जिनकी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ाया, पर आज उनके हार्ड वर्क और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की वजह से उन्होंने हासिल किया अपना स्टेटस सिंबल, जी हाँ, ये करोड़ों की रोल्स रॉयस। अब आप पूछेंगे कि रमेश बाबू करते क्या है, तो सुनिए, रमेश बाबू का काम है हेयर कट करना। जी हाँ, ये है एक बार्बर। इनका स्टैंडर्ड देखकर आप कहेंगे कि ये हेयर कट के चार्जेस बहुत लेते होंगे। जी नहीं, सिर्फ 150 रुपए। यकीन ना आए तो जब भी बैंगलोर आओ तो इनसे बाल कटवा लो। रमेश बाबू के पास सिर्फ रोल्स रॉयस ही नहीं बल्कि 378 से भी ज्यादा गाड़ियां हैं, जिनमें से 120 लग्जरी कार्स हैं। एक्चुअली सैलून बिजनेस के अलावा रमेश बाबू कार रेंटल बिजनेस भी रन करते हैं, और वो कौन कौन सी गाड़ियां रेंट पे देते हैं आइए जरा उन्हीं से जान लेते हैं। Like Mercedes, BMW, Audi, Jaguar, Rolls-Royce, हर ब्रांड की गाड़ी मेरे पास है। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये सब चीजें उन्हें विरासत में मिली हैं। ये सब इनके खून पसीने की कमाई है। So I started working at 14. मैंने 14 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। सुबह उठकर मैं लोगों के घर में दूध सप्लाई करता था, न्यूज़पेपर सप्लाई करता था, और दूध और न्यूज़पेपर सप्लाई करने के काम से मैं महीने के 100 रुपए कमा लेता था। 100 रुपए मिल रहा था, 100 रुपीज। पिताजी के सलों बिजनेस को उनके गुजर जाने के बाद चाचा रन करते थे, पर रमेश जी कुछ बड़ा करना चाहते थे और 18 साल की उम्र में ही उन्होंने सलों बिजनेस की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। मेरी दुकान पे इतने कस्टमर्स आ जाते थे कि कभी कभी हेयर कटिंग के लिए मैं सुबह 6 बजे से रात के 2 बजे तक काम करता था, और कई बार तो अगली सुबह तक। एक्चुअली रमेश बाबू सिर्फ सैलून बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें कुछ करना था और बहुत आगे बढ़ना था, और आगे बढ़ना है तो मेहनत के साथ साथ सोच और शौक भी बड़े रखने होंगे। इसलिए 1993 में उन्होंने पर्सनल यूज के लिए पहली कार मारुति ओमनी लोन पे खरीदी, पर उसमें भी एक ट्विस्ट आ गया। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, मेरे पास लोन लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। उनकी मम्मी नंदनी आंटी के यहाँ काम करती थी, और उन्हीं नंदनी आंटी का एक सजेशन ने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया, और एक आम आदमी निकल पड़ा उस बुलंदी को छूने जिसका उसने सिर्फ एक सपना देखा था। मेरी आंटी ने मुझे एक आइडिया दिया कि मैं अपनी कार रेंट पे क्यों नहीं देता, और मैंने ये बिजनेस शुरू कर दिया। जब रमेश ने बिजनेस शुरू किया उस वक्त ड्राइवर्स नहीं मिला करते थे, वो खुद गाड़ी चलाता था, और धीरे धीरे उसने बिजनेस बढ़ाया। और 3.5 करोड़ की कार में किंग रोल्स रॉयस खरीदने का ख्याल कब आया आपको रमेश बाबू? मैं दूसरों से कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए मैंने 2011 में एक रोल्स रॉयस खरीदी। रोल्स रॉयस को भी वो पर डे 50,000 रेंट पर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी लग्जरी कार्स के मालिक आज भी हेयर कट करते हैं। एक्चुअली उनका मानना है यही उनका मेन बिजनेस है, और ये बिजनेस वो नहीं छोड़ सकते। आज वो एक सक्सेसफुल कार रेंटल बिजनेस रन कर रहे हैं। ये उनके विजन और जी तोड़ मेहनत का नतीजा है। और ऐसे जुनूनी आपको सिर्फ इंडिया में ही मिलेंगे बॉस। कार्स के लिए पैशनेट रमेश जी अपनी कार्स की फ्लीट में एक ड्रीम कार और ऐड करना चाहते हैं। मेरी अगली ड्रीम कार है स्ट्रेच लिमोजिन, जिसकी कीमत है करीब 8 करोड़। एक आम जिंदगी को शान भरी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने का हुनर, और 21 सालों की कड़ी मेहनत के बाद जिंदगी के इस मकाम तक पहुंचना, वाकई रमेश जी यंग जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। और वो एक ही चीज कहते हैं कि डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क ही लाइफ की वो कंघी और कैची है जिसे आप अपने सक्सेस की स्टाइलिंग कर सकते हैं।